भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, यहां के उपमुख्यमंत्री श्रीमान डिसोजा जी, श्री विनय तेंदुलकर जी, स्मृति ईरानी जी, श्रीपाद नाइक जी, बी सतीश जी, लक्ष्मीकांत पारसेकर जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी मंत्रिपरिषद के साथी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी विधायक बंधु, तुम्हें सगले हांगा बड़ा संख्येन आईल्या त्याबदल तुमका सगला गोयांकरांका मना काळजाचणन येवकार आणि माये मोगाचो नमस्कार। भाइयों बहनों, इस देश में टीवी मीडिया का ध्यान गोवा की तरफ जाता नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाए तब तो गोवा की खबर देखने सुनने को मिलती है, लेकिन सादगी, शुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है, और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र हैं। मुझे पता चला इस रैली में आने के लिए 5 रुपया शुल्क रखा गया था। मैं पार्टी के अध्यक्ष जी का, मनोहर पर्रिकर जी का इस बात के लिए आदर करता हूं कि उन्होंने ये जो 5-5 रुपया रकम आई थी, ये सारे पैसे उस इमारत के हादसे में जो मारे गए परिवार हैं उनको समर्पित करने का निर्णय किया, और उस पुण्य कार्य में मुझे भी शरीक किया। समाज के प्रति संवेदना कैसी हो, अपने यहां काम करने वाले दुखियारों के प्रति, और जब मैं टीवी पे देख रहा था उस हादसे के समय, मनोहर पर्रिकर जी खुद मैदान में खड़े रह करके एक इंजीनियर के नाते उनके पास जो कौशल्य है उसका प्रत्यक्ष उपयोग करते हुए काम में जुट गए थे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। हम लोगों को
पार्टी ने इस प्रकार से तैयार किया है, हम लोगों को सिखाया है कि जनता के दुख में दुखी, जनता के सुख में सुखी। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी के रूप में भी विशिष्ट छवि बनाई है और एक सरकार के रूप में भी विकास की दृष्टि से अमिट छाप छोड़ी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज की इस स्पर्धा का जो युग है, आज जो राजनीति में लेना पाना बनना, ये कांग्रेसी कल्चर की जड़ें इतनी जमी हुई है, ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल हो जो मनोहर पर्रिकर जी जैसे सामान्य परिवार के, मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार से, ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे, उनको कार्यभार दे, कुछ लोगों को दिखाई दे या न दे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन न होता, भारतीय जनता पार्टी जैसी चरित्र और कार्यशैली न होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। कोई कल्पना तो करिए, ये पार्टी की सोच और ताकत क्या होगी, तो गरीब परिवार से एक बच्चे को उठा करके उसे तैयार करें, उसको सामर्थ्यवान बनाए और देश की सेवा के लिए उसे अपना नेता बनाए। भाइयों बहनों, ये इस पार्टी की ताकत है। आप हमारे शिवराज जी देख लीजिए, आप हमारे रमन सिंह जी देख लीजिए, हिमाचल के हमारे मुख्यमंत्री रहे धूमल जी को देख लीजिए, सामान्य जीवन जीने परिवारों के बच्चे निष्ठा पवित्रता समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा में लगे हैं। और आज जब स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का समारोह पूरे देश में हो रहा है, पिछले साल पूरे देश में अनेकविध कार्यक्रम चले, उस स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आज गोवा में इतना बड़ा समागम, ये अपने आप में हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति ने जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है, इसका ये जीता जागता सबूत है। भाइयों, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा से निकालने का मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत ये भाजपा का नारा नहीं है, ये जन जन का संकल्प है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान ने, यहां के कोटि कोटि जनों ने कांग्रेस मुक्त भारत ये संकल्प ले लिया है। और जब मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब है
कांग्रेस नाम का एक संगठन नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, कांग्रेस एक कल्चर बन गया है, एक विकृत व्यवस्था बन गई है। हिंदुस्तान की रगों में 60 साल में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न दलों के माध्यम से भिन्न भिन्न नेताओं के माध्यम से वो विकृतियां भारत की रगों में फैल चुकी है। जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात मैं करता हूं तब भारत को उन बीमारियों से मुक्त करना है, उन रोगों से मुक्त करना है। परिवारवाद की बीमारी हो, जातिवाद की बीमारी हो, संप्रदायवाद की बीमारी हो, प्रादेशिकवाद की बीमारी हो, ऊंच नीच की बीमारी हो, संप्रदायवाद का जहर हो, गरीबी हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, ये सारे बीमारियों से मुक्ति, इसी का मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत। ये कोई संस्था के लिए नहीं है, ये बीमारियों की जड़ें कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। दुराचार, भ्रष्टाचार, और इनको शर्म भी नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर बेशर्म है। लोग मर जाएं, अनाप शनाप बना बयान देते हुए इनको संकोच नहीं होता है। अगर यही प्रकृति प्रवृत्ति रहेगी तो 125 करोड़ देशवासियों का क्या होगा। यह नौजवान है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? पूरी ताकत से मुझे बताइए, जवाब देंगे क्या मेरे नौजवान साथियों? आपके माता पिता को जिस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? पूरी ताकत से बताओ, चाहते हो? आपके मां बाप को जिन मुसीबतों को झेलना पड़ा, क्या आप उन मुसीबतों को झेलना चाहते हो? आपके मां बाप के लिए आपको बड़ा करना, आपको रोजगार दिलाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी रही है, अपमान झेलना पड़ रहा है, क्या आप ऐसी जिंदगी स्वीकार करते हो? भाइयों बहनों, ये मुसीबतें देने वाले कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपकी ये परिस्थिति पैदा की? क्या उन लोगों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उनको हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? भाइयों बहनों, आप राजीव गांधी को याद करिए, वो पूरा समय 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, कितना बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे। उस समय तो नए नए टीवी आए थे, चारों तरफ 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, इसकी धूम मची हुई थी। लेकिन क्या 21वीं सदी के अनुकूल इस देश को तैयार किया गया? भाइयों, तैयार किया गया? एक ऐसी कोशिश की गई कि जिसके कारण हमें लगे कि हां, हम 21वीं सदी में पैर रख रहे हैं। किया तो क्या किया? भाइयों बहनों, मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरी 20वीं सदी में आजादी का वो 50 साल का कालखंड बर्बाद कर दिया गया। देश को आशा थी कि कोई पढ़े लिखे महाशय आएंगे,
राजनीतिक कल्चर के बाहर से व्यक्ति आएंगे, कांग्रेस की बुराइयों से जिनकी आदत नहीं बिगड़ी ऐसे व्यक्ति आएंगे, और देश मानता था कि शायद देश का भला हो जाएगा। लेकिन 10 साल का लेखा जोखा लें तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए जितने इस 10 साल में इस देश को देखने पड़े हैं। सारी इंस्टीट्यूशंस, सारी संवैधानिक संस्थाएं, उनको बेकार बना दिया गया। सत्ता एक ऐसी जगह पर केंद्रित हो गई जहां जवाबदेही नहीं थी। लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां नहीं चल सकती। लोग मुझे पूछते हैं, कांग्रेस ने तो बर्बाद किया, मोदी जी आप क्या करेंगे? हम इन बुराइयों को मिटाने का काम सबसे पहले करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, मंत्री का कार्यालय हो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, डिसेंट्रलाइजेशन में हम विश्वास करते हैं, विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, लोगों को अवसर दिया जाए, जवाबदेही तय हो, तभी तो प्रगति होगी। आज आपके गोवा में इतनी बड़ी बेरोजगारी आई क्यों? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? यहां के जीवन में माइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, नौजवानों को रोजगार का अवसर, राज्य की तिजोरी को पैसे पाने का जगह, माइनिंग का महत्व कम नहीं है। और माइनिंग सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं होती है, सारी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर ही ताले लग जाए, माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा भाइयों? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है, हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है। मित्रों, ये मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा भांति भांति के टैक्स लगाने होते हैं। आपको पता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर के इतना तूफान मचा हुआ था, सारी फाइलें रोक दी जाती थी, रुपये पैसों के बिना काम नहीं होता था। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है, पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है।
जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो कभी ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना तो अनुभव है नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम हैरान हैं, क्या स्थितियां बदली नहीं जा सकती हैं? और ये इन लोगों ने कैसी व्यवस्थाएं विकसित की है। मुझे सीमेंट के कारखानों के लिए, मेरे यहां लाइमस्टोन है, उसकी लीज देनी थी। हम नहीं चाहते थे कि कहीं से कोई बेईमानी हो। हमने भारत सरकार को लिखा, हमने कहा कि हम ये लाइमस्टोन की जो भूमि है वो हम ऑक्शन करना चाहते हैं, हराजी करना चाहते हैं। जो ज्यादा बोली बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा। सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, हम तो आपको पूछ करके चल रहे हैं, सही रास्ता है ना? आपको मालूम है भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कहा, मोदी ये तुम नहीं कर सकते हो, हिंदुस्तान सरकार का कानून तुम्हें ऑक्शन करने की इजाजत नहीं देता है। आप मुझे बताइए, एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑक्शन करके सीमेंट के कारखानों लगा करके देश के लोगों को सस्ता सीमेंट मिले, उस लिए इनिशिएटिव ले रही है, और दिल्ली की सरकार खुद तो कुछ नहीं करती, जो करना चाहते हैं उन पर भी बेड़ियां लगा देती है। देश ऐसे नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भारत के संघीय ढांचे को नकार रही है, यह देश जितना महात्मय राज्यों का है उतना ही महात्मय देश का है, जितना महात्मय भारत सरकार का है उतना ही महात्मय राज्य सरकारों का है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम भारत के संघीय ढांचे की नींव को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस ने सत्तावादिता के कारण भारत के संघीय ढांचे को जड़ों से हिला दिया है। वे संघीय ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो एक हत्थु शासन चलाने के पक्ष में है, और भारत के सभी राज्य सरकारों की शिकायत है। अभी अभी दो दिन पहले आपने शिंदे जी का बयान सुना होगा, भारत के गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात बताई है और गंभीर बात बताई है। पिछले सितंबर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, अब उन्होंने टीवी पर इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब देंगे भैया, आप मुझे कहिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसी भी गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, शिंदे जी सुने, सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी गुनहगारों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, भारत के गृह मंत्री, इनकी हिम्मत देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए, वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई,
क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े रखे न रखे? नियम तो यह होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर जेल में ठूस नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है। श्रीमान शिंदे जी दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन ये कारनामे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री को मिलोगे तो पूछोगे, अच्छा ऐसी चिट्ठी लिखी है, मैं देखूंगा, ऐसे ही जवाब देते हैं। भाइयों बहनों, देश बर्बाद हुआ है उसका यही तो कारण है। भाइयों बहनों, आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा, इस पर कुछ लोग जो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के रक्षक बने हैं, वो सवाल या निशान उठा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। रहने को खुद का घर नहीं है क्या? हमारी प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे? झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे? भाइयों बहनों, हम सत्ता में रहने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ देश के जन जन की सेवा करके समर्पण भाव से आज भारत माता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था, गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया, उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि साहब, गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ।
मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार में बैठे हुए 10 साल की सरकार, उनको पूछा जाए कि आपने ऐसी कौन सी चीज की है जिसके कारण देश का भला होगा। भाइयों बहनों, उन्होंने महंगाई दूर करने के वादे किए, नहीं कर पाए। नौजवान को रोजगार देने के वादे किए, नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार से देश को बचाने की बातें कहते रहे, नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, परिवार में भी कोई व्यक्ति निर्धारित काम नहीं करता है, कितना ही प्यारा क्यों न हो, वो भी बोझ बनने लग जाता है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की सरकार, कभी किसी ने कल्पना की है, कोई सोच भी सकता है कि जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना, वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए? सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए, देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और दोषी सिर्फ वो सरकार नहीं है, उनको समर्थन करने वाले लोग भी दोषी हैं, उनको बचाने के लिए काम करने वाले लोग भी दोषी हैं, उनके लिए रक्षा कवच देने वाले लोग भी दोषी हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गोवा से 2 सीटें तो मिलेगी, लेकिन गोवा, यहां तो हिंदुस्तान भर के लोग आते हैं, यात्रियों को भी 2-2 5 मिनट दुकान पे आए, होटल में आए, उनको भी इंजेक्शन दीजिए कि देखिए गोवा इतना आगे बढ़ा, अगर भाजपा आया तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश भर के यात्रियों को आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, देश भर के यात्रियों को आप विश्वास दिला सकते हैं। और जब देश भर के यात्री गोवा को देखेंगे, उसकी प्रगति को देखेंगे, मुख्यमंत्री की सादगी, ईमानदारी, सरलता, सहजता, उसके विषय में जब जानेंगे, भाइयों बहनों कोई कल्पना करिए, ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता, कल्पना कीजिए मित्रों। सारे देश को पता चलता कि कैसा, इतना पढ़ा लिखा इंसान, कितना सरल है, कितनी सादगी है, लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में ऐसे अनेक नररत्न है जो देश के लिए जीते हैं। भाइयों बहनों, मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं, टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। और इसलिए भाइयों बहनों,
देश को तय करना है। कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों, भारत का भाग्य बदल सकता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलने के लिए कृत संकल्प है। एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़े हैं। और जब मैं गोवा की धरती पर आया हूं, मैं गोवा को एक बात के लिए हमेशा हमेशा आदर करता हूं। ये राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड है, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार से, सुख चैन से यहां जिंदगी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को बल देने वाली पार्टी है। और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसका जवाब देश को जोड़ने वाला रास्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब हम सेक्युलरिज्म की चर्चा करते हैं तब हमारा एक कन्विक्शन है कि हमारे लिए एक ही धर्म है और वो धर्म है इंडिया फर्स्ट। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार का एक ही मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म होता है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है कोटि कोटि जनों की जनशक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है सबका साथ सबका विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अभी हमने एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अभियान लिया है। मैं विशेष रूप से गोवा के नौजवानों को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के दिन पर 15 दिसंबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, इतने छोटे से गोवा ने 50,000 लोग दौड़े। मित्रों, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। देश की एकता के लिए आपका कमिटमेंट कैसा है उसका ये दर्शन कराता है। और अभी जो लोहा संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी गोवा बहुत पूरी ताकत से जुटा है। इसलिए भी मैं गोवा को अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कई चुनाव आकर के गए, पंचायत के चुनाव भी आए, पालिका के चुनाव भी आए, विधानसभा के चुनाव भी आए, लोकसभा के चुनाव भी आए। हमने हर बार वोट दिए हैं, लेकिन इससे पहले हम वोट देते थे किसी व्यक्ति को, इसके पहले हम वोट देते थे किसी पार्टी को। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव
हिंदुस्तान के लिए वोट देने का चुनाव है भाइयों। हम वोट देश के लिए दें, दल के लिए नहीं। हम वोट भारत कैसा बनाना है इसके लिए वोट दें। और इसलिए भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया इस मूड को लेकर के गांव गांव घर घर जाना है, देश के लिए मत देना है, देश की भलाई के लिए सरकार बनानी है, किसी दल की भलाई के लिए नहीं, किसी व्यक्ति की भलाई के नहीं, किसी जाति की भलाई के लिए नहीं, किसी बिरादरी की भलाई के लिए नहीं, किसी इलाके की भलाई के लिए नहीं, समग्र देश की भलाई के लिए अब सरकार चुनने का वक्त आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में आप सब भारत के लिए वोट करें। मैं एक नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे सब लोग जरा पूरी ताकत से बताइए, बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, पूरी ताकत से बोलोगे? रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए, मैं सभी गोवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।